बिजनेस 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकाली जाए तो यकीनन 10 में से 10 लोग बिजनेसमैन होंगे, और फिर चाहे वो लिस्ट राजस्थान की हो, गुजरात की हो, यू नो व्हाट आई मीन, या फिर पूरी इंडिया की हो, इवन आप वर्ल्ड की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, आंसर सेम होगा, बिजनेसमैन। वो बात अलग है कि 10 में से 8 लोग गुजराती होंगे। और आज जो 10 मूवीज में तुम्हें बताने वाला हूं, उसके लिए मैंने कोई बाउंड्रीज नहीं रखी, कहीं से भी है, कुछ गुजरात से है, कुछ बॉलीवुड से है और कुछ हॉलीवुड से है, मतलब ज्यादातर हॉलीवुड से है, जो तुम्हें बिजनेस के बारे में तो काफी कुछ सिखाएगी, साथ ही में एंटरटेनमेंट भी देगी। 10वें नंबर पे है 2 मूवीज, फॉरेस्ट गम और लाल सिंह चड्ढा। जब भी कोई मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, उसके बहुत सारे रीमेक बनते हैं, तो फॉरेस्ट गम मूवी का रीमेक बनाया था बॉलीवुड ने लाल सिंह चड्ढा नाम से। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे, मन नहीं भरता। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है फॉरेस्ट गम, जो कि एक बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है। लो आईक्यू होने की वजह से सिंपल चीजों को समझने में भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है, लेकिन उसकी सपोर्टिंग मदर और फोकस और कंसिस्टेंसी की वजह से अपनी कॉलेज के अंदर एक काफी बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर बनता है, फिर अपनी कंट्री के लिए आर्मी में सर्व भी करता है, और उसके बाद पिंग पोंग प्लेयर बनता है, वो भी काफी ज्यादा कमाल का। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि फॉरेस्ट गम यही नहीं रुकता, बहुत सारी चीजें करने के बाद अपने एक दोस्त के साथ काफी कमाल का बिजनेस शुरू करता है। फॉरेस्ट गम काफी सिंपल है, चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, सिर्फ वही काम करता है जो उसके दिल को पसंद आता है। मूवी आपको डेफिनेटली बिजनेस के बारे में काफी कुछ सिखाती है, लेकिन लाइफ के बारे में मुझे लगता है ज्यादा सिखाती है। आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करने के लिए सबसे अलग होने की जरूरत नहीं है। अब आप डिसाइड करें कि आपको लाल सिंह चड्ढा देखनी है या फिर फॉरेस्ट गम। लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो दोनों देख लेता, क्योंकि दोनों ही काफी बढ़िया मूवीज हैं। 9वें नंबर पे है द सोशल नेटवर्क, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है, मतलब कि रियल स्टोरी पे बेस्ड, जिसमें एक लड़के ने कॉलेज के टाइम पे एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसने इंटरनेट को देखने का नजरिया ही बदल दिया। एक छोटे से आइडिया से शुरू हुई कंपनी इतना बड़ा इंटरनेट का हब बन जाएगी पता भी नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की। अगर फेसबुक नहीं बनती तो शायद कोई सोशल मीडिया भी ना होता, और शायद इंटरनेट हमारे लिए सिर्फ नॉलेज के लिए होता, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। मूवी के अंदर आपको मार्क जकरबर्ग की स्टोरी देखने को मिलती है कि कैसे उन्होंने फेसबुक बनाई, किन किन लोगों ने उनकी मदद की, और हमें सीखने को मिलता है कि जब भी कोई बिजनेस का आइडिया आता है वो 100% परफेक्ट नहीं होता, टाइम के साथ वो बिलियन डॉलर की कंपनी भी बन सकती है। ये लाखों करोड़ों डॉलर का आइडिया हो सकता है, करोड़ों। जी हाँ, आज के टाइम हर किसी बिजनेस को डिजिटल ले जाना जरूरी है, और मुझे लगता है ये मूवी हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर जिस लेवल की आपको एक्टिंग देखने को मिलती है वो तो कमाल की है ही, साथ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर जिस तरह से टाइमलाइन शिफ्ट करती रहती है, उसकी वजह से बहुत ही कमाल की टेंशन बनी रहती है पूरी मूवी के अंदर। इस मूवी को एक मास्टरपीस कहना कोई भी गलत बात नहीं होगी। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी हिंदी में। नंबर 8, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। हम बिजनेस की बात करें और शेयर मार्केट ना आए, और ये मूवी शेयर मार्केट को नंगा कर देती है। क्या ये सब लीगल था? बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो इस मूवी को मैंने कॉमेडी के लिए देखा था, लेकिन बिजनेस के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। वैसे तो इस मूवी को देखने के बाद तुम्हें यकीन होगा नहीं, लेकिन ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। जॉर्डन बेलफोर्ट, जिसने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली थी एक छोटी सी नौकरी के साथ, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गया था कि पैसा कैसे कमाना है। इतना पैसा था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मतलब कि समझ सकते हो उसने कितने सारे पैसे कमाए थे। इस मूवी को मैंने बहुत ज्यादा बार देखा है, तो इसके मुझे 2 पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आते हैं। पहला, ब्रोकर के तौर पे शेयर चाहे कचरा हो किसी को भी झूठ बोलकर बेच दो। सेकंड, इन्वेस्टर के तौर पे ब्रोकर अपना शेयर बेचने के लिए कितना भी झूठ बोल सकता है। इस मूवी के अंदर तुम्हें शेयर मार्केट की काफी सारी डार्क साइड्स देखने को मिलती है, लेकिन यही सच है। अब वो स्ट्रॉबेरी दुनिया तो है नहीं जो तुमने सोच रखी है। एंड मेक श्योर इस मूवी के अंदर काफी सारा एडल्ट कॉन्टेंट भी है। आज भारत में अंबानी फैमिली को हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे, लेकिन क्या आप धीरू भाई अंबानी को जानते हैं? भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के फादर, जिन्होंने गांव में गाय का दूध बेचने की जगह बिजनेस करना सही समझा। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की, जिन्होंने अपना छोटा सा गाँव छोड़ दिया अपने सपने पूरे करने के लिए, अपना बिजनेस बनाने के लिए। मूवी की कहानी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है कि एक छोटे से गाँव से निकला लड़का इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, इतनी बड़ी कंपनी बना लेता है। वैसे तो अभिषेक बच्चन को काफी सारी मूवीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन गुरु मूवी के अंदर इनकी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी थी। और ट्रस्ट मी, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको ये मूवी 101% देखनी चाहिए। 2007 में इस मूवी का नाम है गुरु। चलो तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, वीडियो के अंदर भी टोल टैक्स होता है। यहाँ पर लाइक करें और आगे बढ़े, और शेयर करना ट्रीट होगी। अपने धन का प्रयोग करें ना करें, ये चमत्कार जरूर करें। माफ करना, लेकिन 7वें नंबर पे कोई मूवी नहीं, एक वेब सीरीज है, और ये भी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। हर्षद शांतिलाल मेहता, बीएससी का अमिताभ बच्चन,
हर्षद मेहता। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की 2022 में सबसे ज्यादा वायरल वेब सीरीज स्कैम 1992। रियल स्टोरी पे बेस्ड होने के अलावा इसकी सबसे खास बात है ये इंडियन स्टॉक मार्केट को काफी आसानी से समझाती है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके। आपको याद है मैंने 10वें नंबर पे एक मूवी सजेस्ट की थी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। इसमें जो वुल्फ है उसका एक मीनिंग होता है जो इसमें समझाया जाता है। हर्षद मेहता लोअर मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से बिलोंग करता था। काफी लंबे टाइम तक गरीबी में रहने के बाद उसने स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का सोचा और 1982 के अंदर 10 लाख का लॉस लिया और फिक्स 10 साल बाद 1992 के अंदर इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला बंदा बना और वो भी सिर्फ स्टॉक ब्रोकर। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेब सीरीज तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है पॉलिटिक्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, बिजनेस के बारे में और बहुत ही सिंपल तरीके से। और एक छोटा सा लूप होल आपको इंडिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी कैसे बना सकता है। आपने हमेशा सुना होगा इस आदमी के साथ स्कैम हो गया, लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है कि गवर्नमेंट के साथ स्कैम हो गया? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक तेलगी नाम के बंदे ने स्कैम कर दिया था। ये भी एक इंडियन वेब सीरीज है जो बात करती है 2003 के स्कैम के बारे में। अब्दुल करीम तेलगी एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ था, पढ़ा लिखा भी था लेकिन कभी काम नहीं मिला। लेकिन एक दिन उसका ध्यान पड़ता है इंडियन स्टैम्प पेपर पर, जो कि इंडिया में 30,000 करोड़ का मार्केट होल्ड करता है। और तेलगी ने फेक स्टैम्प पेपर बनाना स्टार्ट किया और वो फेक स्टैम्प पेपर को ओरिजिनल बनाने के लिए वो कहां तक चला जाता है। बिल्कुल भी इंस्पायर मत हो जाना इस वेब सीरीज से, लेकिन फिर भी वेब सीरीज एक नंबर है, देखना मत भूलना। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें एक मूवी दिखाऊं और उस मूवी को देखकर तुम अपनी जॉब क्विट कर दो और डायरेक्ट बिजनेस करना शुरू कर दो? अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई बकवास कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है। रॉकेट सिंह मूवी ने सेम काम किया था इंडिया के अंदर। लोग रॉकेट सिंह से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस करने का डिसाइड किया। मैं एक जोकर सरदार और तू एक आइटम गर्ल। रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर 2009 की एक कॉमेडी ड्रामा बिजनेसमैन मूवी है जिसमें एक रॉकेट सिंह नाम का बंदा सेल्समैन का काम किया करता था। सेल्समैन बनना है? यस सर। बेचना आता है? गुड मॉर्निंग मैम। लेकिन जिस कंपनी के अंदर वो काम किया करता था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसने एक नई कंपनी बनाई खुद के नाम से, वो भी ऑलमोस्ट ना के बराबर इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन जिस तरह से रॉकेट सिंह ने अपनी कंपनी बनाई उसको लीगल कह सकते हैं या नहीं कह सकते वो तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बात तो है रॉकेट सिंह आप पे इम्पैक्ट जरूर डाल देगा। पुराने बॉलीवुड की एक काफी ज्यादा कमाल की मूवी है, उम्मीद करता हूँ आप मिस नहीं करेंगे। और मैंने जस्ट अभी नोटिस किया कि ये अकेली मूवी है जो फिक्शन है, किसी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड नहीं। मूवी नंबर 3 स्टीव जॉब्स। आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है? स्टीव जॉब्स एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जिन्होंने अपनी कॉलेज इसलिए ड्रॉप आउट कर दी क्योंकि उनकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे और आगे चल के उन्होंने ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनाई एप्पल। याद है मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है? मान लीजिए आपने एप्पल कंपनी को बनाया है और आपको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया जाए, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्टीव जॉब्स को एप्पल द्वारा निकाले जाने के बाद उन्होंने 2 और नई कंपनीज बना दी, नेक्स्ट और पिक्सार नाम से, और शायद इसे ही कॉन्फिडेंस कहते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो आई थिंक स्टीव जॉब्स के लाइफ से ज्यादा बेहतर और कुछ हो भी नहीं सकता। फिर चाहे आप मूवी देखें, डॉक्यूमेंट्री देखें या फिर आप चाहें तो बुक्स भी पढ़ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्टीव जॉब्स 2015 की मूवी। मूवी नंबर 2। एक क्वेश्चन हम सबसे पूछती है, क्या बिजनेस करने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है? सवाल थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन इसका जवाब आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूं 2016 की द फाउंडर मूवी की, जो कि एक बायोग्राफी ड्रामा मूवी है मैकडोनल्ड्स के ऊपर। कहानी सेट है 1950 के अंदर, जो हमें स्टोरी बताती है मैकडोनल्ड्स के बारे में, किस तरह से एक ट्रेवलिंग सेल्समैन ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई। ना मैकडोनल्ड्स उसने शुरू किया, ना मैकडोनल्ड्स उसका आइडिया था और ना ही मैकडोनल्ड्स उसको बनाना आता था। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये वाली मूवी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगी। एंड अब बात करते हैं नंबर वन कोई और मूवी नहीं, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है जो मैं इतनी बार देख चुका हूँ। मुझे याद है इस चैनल को मैं बंद करने वाला था और पता नहीं कैसे मैंने वो वाली मूवी देखी और मैंने कहा नहीं अभी मैं बंद नहीं करूंगा और मैं बाउंस बैक करूंगा। मतलब ये मूवी मेरे इतनी ज्यादा दिल के पास है कि जब भी मैं इस मूवी को देखता हूँ हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हर टाइम उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ जितना शायद आज से पहली बार किया था जब इस मूवी को देखा था। और मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि अगर ये वाली मूवी तुम देख लेते हो तो ये मूवी तुम्हारी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक होगी। जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर मैं बस यही मूवी देखता हूँ, कुछ नहीं दीप माहेश्वरी के वीडियोस नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, जस्ट आराम से बैठो
और इस मूवी को एंजॉय करो। और इस मूवी को और भी ज्यादा हिटिंग बनाता है कि ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। मूवी का नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। क्रिस गार्डनर की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ऊपर से और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है जब उसकी जॉब चली जाती है। टाइम पे पैसा ना देने की वजह से उसे वहां से निकाल दिया जाता है। अपने बेटे को लेकर वो कहां जाएगा, उसके पास कोई भी जगह नहीं होती। एक इंटर्नशिप कर रहा होता है इस उम्मीद में कि उसे 6 महीने बाद जॉब मिलेगी, लेकिन 6 महीने तक उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता इस मूवी को देखने के लिए मैं तुम्हें कन्विंस कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन इससे ज्यादा बेहतरीन मूवी आई थिंक और कोई भी नहीं हो सकती। ओके, तो ये वाली लिस्ट यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो इतना अच्छा नहीं बना होगा क्योंकि मैंने चेहरा नहीं दिखाया अपना। तुम भी अगर क्रिएटर हो, मेरी तरह वीडियोस बनाते हो सोशल मीडिया के लिए, तो आई थिंक आर्ट लिस्ट काफी अच्छी चॉइस तुम्हारे लिए होगी, क्योंकि यहाँ पर मिलता है बहुत ही हाई क्वालिटी म्यूजिक जो आप अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। लेकिन मेरी लिंक से खरीदने पर तुम्हें मिलेगा 2 महीना एक्स्ट्रा, वो भी फ्री फ्री फ्री। और ये वाली प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो।